अभी हम आए थे कायरो के स्टेशन पे और यहाँ पे आपको आना है प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे, और मतलब चलते रहना आपको टिकट ऐसा मिल जाएगा। वैसे तो टूरिस्ट के लिए सिर्फ है स्लीपिंग ट्रेन, मतलब जिनकी कॉस्ट है $80 अगर आप स्लीपिंग ट्रेन लेना चाहते हो, रोज़ चलती हैं, या फिर आप ले सकते हो अपनी से बैठने वाली ट्रेन। आसवान तक की टिकट है £300 की, £295 की फर्स्ट क्लास, £190 सेकंड क्लास। और आप इन ऑफिस से जाके ले सकते हो टिकट, कोई कुछ नहीं कहेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट ले नहीं सकते, ले सकते हो और कोई चेक वैक कुछ नहीं करता। तो हम दोनों ले रहे हैं आसवान तक की टिकट £600 में दो बंदों की, अभी ले रहे हैं, कल की ट्रेन है रात की, 12 घंटे में आसवान पहुँचा देगी हमको, और दो काउंटर ऐसे तो पूछ लेना, मिल जाएगा आपको बड़ी आराम से मिल जाएगा काउंटर, ठीक है। और अब फिर इसके बाद जाएंगे हम अपना आज का दिन ख़त्म करके, आज बस टिकट लेके आपको कायरो का स्टेशन दिखाता हूँ और फिर हम जाएंगे वापस अपने गेस्ट रूम में, मतलब होटल में, मतलब एयरबीएनबी में। You got it? Say it with the camera. Did you get the tickets? You got the tickets to Aswan. Okay. You understand everything was written, right? Yeah. Special first class. Feel fair, but we are students. तो पता नहीं किस वीडियो में डालूंगा, शायद मार्केट वाली और म्यूजियम वाली वीडियो में। तो ये है मेरा एयरबीएनबी। एयरबीएनबी क्या होता है पहले मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, जहाँ पे मैं रुका हूँ ये वो जगह है, ठीक है। ये मतलब ये पूरा लिविंग एरिया था और यहाँ पे आपका एक छोटा सा बाथरूम, मतलब ये तो भी ये किचन है पूरी, ठीक है। फिर आता है ये रूई, ये है बड़े वाला बाथरूम, ठीक है। और भाई ये था हमारा रूम कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये एयरबीएनबी क्या होता है बैठ के आपको समझाता हूँ मैं। यहाँ पे एक और रूम है पर वो हमारा नहीं था। तो एयरबीएनबी होता है कि मतलब कई लोग होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा अपार्टमेंट होते हैं सिटीज़ में, जैसे आपके पास कोई एक्स्ट्रा घर है तो आप उसको पर डे के हिसाब से गेस्ट्स को रेंट पे देते हो, पर ये मतलब एक अपार्टमेंट होता है, होटल वगैरह नहीं होते ये। तो इसमें आपको मतलब थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, पूरा अपार्टमेंट खुद के लिए मिल जाएगा, डिपेंड करता है, आप वो साइट पे जाके देख सकते हो कि क्या लिखा है। तो एयरबीएनबी बुक करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आप उससे बुक करते हो तो मतलब अगर साइन अप भी कर लेते हो ना आप तो आपको बोनस मिल जाएगा, और जब पहली बुकिंग करोगे आप तो आप उस बोनस को उस बुकिंग में यूज़ कर सकते हो, मतलब कुछ शायद मेरे हिसाब से $30 या $40 का मिलता है। और ये पूरा अपार्टमेंट £20 का था बस, मतलब ₹2000 के करीब का। तो आप 3-4 लोग आके यहाँ पे रुकोगे तो मेरे को नहीं लगता ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको। तो उससे क्या होगा कि भाई मेरे लिंक से साइनअप करोगे आपको तभी बोनस मिलेगा, मतलब किसी के रेफरल से साइनअप करते हो तभी बोनस मिलेगा, डायरेक्ट जाके बुकिंग करोगे तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। बस यही था, यही दिखा रहा था कि मैं कहाँ रुका हूँ कायरो में, क्योंकि कायरो जैसे शहर में आपको एक अच्छा होटल बहुत महंगा मिलेगा और बेकार होटल तो बहुत ही बेकार है। तो आज की वीडियो की शुरुआत मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे होएगी, क्योंकि मैंने सोचा था सीधे हम ट्रेन की जर्नी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसी जगह ना लोगों को पसंद नहीं आती हैं, मतलब वीडियो में डालने के लिए, क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और आगे आप बस देख सकते हो और ऐसा कुछ एडवेंचरस है नहीं। तो ये मॉस्क है एक, ठीक है, मैं इसका नाम अभी नीचे डाल दूँगा क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता है। हम ऐसे ही बस टैक्सी से उतरे, हमको दिख रहा था कि अच्छा है तो हम उतरे और आ गए। स्टूडेंट के लिए £90 की टिकट है, मैं ये नहीं कहूँगा £90 बिल्कुल वर्थ नहीं है, पर £90 जितना वर्थ नहीं है, ठीक है। और मेरे पीछे है ये पूरी कायरो की सिटी, तो यहाँ से आपको पूरा पैनोरामिक व्यू अच्छा दिखेगा, अच्छी फ़ोटोज़ आ जाएंगी। और इससे पहले हम गए थे कॉप्टिक कायरो, मतलब एक जगह है जहाँ पे 6-7 वो हैं, 6-7 चर्चेज एक साथ हैं, और मतलब सारे विज़िट फ्री है, मतलब फ्री में विज़िट कर सकते हो आप कॉप्टिक कायरो जाके। और एक काफ़ी अच्छी अंडरग्राउंड वैली भी है, अंडरग्राउंड एली, मतलब अंडरग्राउंड नहीं है वो, पर काफ़ी अच्छे, वहाँ पे बहुत अच्छी दुकान है सुविनियर्स वगैरह के लिए, मतलब बहुत ही एपिक दुकान है। हैं तो सारी चीज़ें बहुत महंगी, पर एक बार आप जाके देख के ज़रूर आ सकते हो।
तो फिर उसके बाद आ गए थे हम कॉप्टिक कैरो के बाद यहाँ पे, तो ये भी मेरे को काफ़ी ठीक लगा, पर 90 पाउंड जितना वर्थ है, और 180 पाउंड जितना तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है कि आप सिर्फ मॉस्क पे आओ रे सिर्फ व्यू इन्जॉय करने, 180 पाउंड 1000 रुपये दो, तो इतना तो मैं नहीं कहूँगा कि वर्थ है, पर ठीक है। इसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे। वैसे मेन तो ये वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा कि इजिप्शियन ट्रेन्स की आप टिकट वो जर्नी कैसे कर सकते हो। तो वहाँ पे रूही फ़ोटो ले रहे हैं, तो मैं ऐसी जगह डालता नहीं हूँ वीडियोस में क्योंकि कई बार बोरिंग हो जाती है, क्योंकि कायरो में बहुत जगह है यार ऐसी विज़िट करने के लिए, बहुत ज़्यादा। तो मैं ऐसी जगह इंस्टाग्राम पे दिखा देता हूँ क्योंकि वीडियोस मैं बोर नहीं करना चाहता मैं। तो यहाँ पे रूही अपने बाल कटवाते हुए, शायद मैं भी कटवाऊँ बाद में। मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ी अपनी बीयर्ड या फिर बाल थोड़े कटवा लूँ। ये रूही को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा क्या कट रहा है। दिस इज द रूही फ्रॉम इजिप्ट। डिड यू लाइक इट? या इट्स नॉट टू बैड फॉर 35 इजिप्शियन पाउंड। तो अभी हम आ गए कायरो स्टेशन, रात के बज रहे हैं 8:15 के करीब, ट्रेन है 9 बजे की, कुछ ऐसा स्टेशन है, बहुत ही बेहतरीन बना रखा है। और अभी हम प्लेटफॉर्म पता करेंगे भाई कौन से प्लेटफॉर्म से है हमारी ट्रेन, और मास्क के बिना एंट्री नहीं दे रहे थे तो मास्क तो पहन लिया, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार रूही कस्टमर सर्विस से वो पता कर रहे हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म से है। तब तक मैं यहाँ पर खड़ा हो गया, टिकट तो कल दिखा दी थी ना कैसे खरीदनी है, इस वीडियो में भी डाली थी होगी मैंने। तो ऐसा ट्रेन स्टेशन है, काफ़ी पुराना सा और मस्त है बिल्कुल, मतलब लग रहा है कि इजिप्ट के किसी रेलवे स्टेशन पे हैं। 12 घंटे लगाएगी ट्रेन, तो अगर प्लेटफॉर्म नंबर यहाँ पे लिखे नहीं आते तो एक बार पूछ के कंफर्म कर लेते हैं। ऐसा है कुछ, अंदर से एक ट्रेन जा रही है, वो हमको जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 11, तो वो है फर्स्ट प्लेटफॉर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक तो यहाँ पे है, पर फिफ्थ उसके आगे वालों के लिए आपको एक बैग रूही ने पकड़ा दिया है मेरे को, तो मेरे को थोड़ा व्लॉगिंग में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे खाने पीने की काफ़ी दुकानें मिल जाएंगी। अब आगे वाले प्लेटफॉर्म पर जाना है तो आपको अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा, मतलब नीचे प्लेटफॉर्मों के नीचे से, प्लेटफॉर्म से कूद के मत जाना जैसे इंडिया में जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा सा बैग लेके आ गया है, इसको भी प्रॉब्लम हो रही है। यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स? ऑल सो गुड, आई फील सो गुड, सो रिलैक्स, ऑल लाइज ऑलवेज, या नो प्रॉब्लम, नो ऑल लाइज, यू आर सेइंग ऑल लाइज, नो नो ऑलवेज ऑलवेज, यस ओके। तो ये तुक्के से हम घुस गए हैं, दिस इज इट, बट नोबडी इज देयर इन द केबिन। वेल इट्स टू अर्ली, यू नो इट्स हाफ एन आवर ओके बिफोर, सो आर यू श्योर दिस इज द ट्रेन? नो आई एम नॉट, सो वी नीड टू डबल चेक। ओके, सो यू कीप इट हियर, आई विल स्टे विद द लगेज आई गेस, यू आर डबल चेकिंग? या डबल चेक, शायद यही है ट्रेन, पर एक बार और कंफर्म करेंगे भाई कहीं और ना लेके चली जाए। वैसे तो एक ही रूट है इनका, मुझे इतने सारे रूट हैं नहीं, कायरो से सारी असवानी जाती हैं, पर मेरे को लग रहा है ये ट्रेन है। हु डिड यू आस्क, हु डिड यू आस्क अबाउट द टिकट्स? टू दिस गाइस हियर, टू द सेम पीपल दैट आर ट्रैवलिंग हियर ऑन द बस। डिड यू आस्क असवान? यस यस। और डिड यू जस्ट आस्क द compartment number? No, I asked both. They said yes? Oh, yes. Like vertically. तो भाई यहाँ पे रूही अपने सारे बैग वैग सेट कर रहे हैं। ट्रेन में छोटे छोटे बच्चे आएंगे और आपको ऐसे टिश्यूज़ का पैकेट आपके ऊपर फेंक के चले जाएंगे,
थोड़ी देर बाद आएंगे, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। तो मतलब एज ए वो, और एक मतलब एक औरत आएगी आपके ऊपर, एक कागज का टुकड़ा छोड़ के चली जाएगी, उसमें कुछ अरेबिक में लिखा होगा, कुछ देना है आपको दो, नहीं देना वो वापस आएगी और अपना खन्ना वापस लेके चली जाएगी। तो ये इसका भी ऐसा ही सिस्टम है, अभी वापस आएगी तो मैं वापस दे दूँगा उसको, भाई मेरे को तो चाहिए नहीं। रोड पे भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे ये बेचते हुए, और कुछ ऐसी ट्रेन है भाई देख लो, ये दरवाज़ा बंद होता नहीं है, ये खुलता रहता है, ट्रेन जब इस तरफ होएगी तब खुल जाएगा, तो आवाज़ आती रहेगी। फर्स्ट क्लास है और ये सेकंड क्लास की चीज़ शायद थोड़ी इससे पतली होंगी। तो ये देखो लड़की दोबारा आ गई, लेना है लो वरना इसको वापस दे दो, ज़बरदस्ती नहीं करेगी आपसे। हम रुके हैं गीज़ा स्टेशन पे, तो हमारा टैक्सी ड्राइवर हमसे ये पूछ रहा था कि भाई तुमको गीज़ा स्टेशन जाना है या रामसेस जाना है। तो जो कायरो में स्टेशन है ना वो रामसेस स्टेशन है, पर गीज़ा भी पास में ही है तो इसको भी कायरो ही कह देते हैं, पर ये असली में गीज़ा स्टेशन है। तो हमने कहा हमको कायरो वाले में जाना है, मतलब रामसेस जो यहाँ का शायद राजा या फरो थे, रामसेस रामसेस वैसे किंग और फरो, फरो इट्स अ किंग पर वो मतलब एक तरह से क्यों ही होते हैं। तो डू दैट यहाँ पे मैंने हाथ रख नीड सम सोशल डिस्टेंस। ठीक है तो अभी गीज़ा रुकी है ट्रेन, मेरे हिसाब से 5-7 मिनट तो हो ही गए और फर्स्ट क्लास पूरा फुल हो चुका है। तो मतलब थोड़ी एक दिन तो पहले आपको टिकट कम से कम बुक करानी ही पड़ेगी। पहुंच गए हैं हम लक्सर और आसमान के बीच में, एंड रूई इज डेड। अभी लगेगा टाइम, व्हाट्स द टाइम, 8:15 हुए हैं, अभी ट्रेन चल चुकी है। लक्सर हमने क्रॉस किया था अराउंड 6:30 सुबह के, और एक बार मतलब 4 भी ट्रेन रुकी थी एक स्टेशन पे, मेन स्टेशन था कोई, पर हमको लगा वो लक्सर है, पर सुबह उठ के देखा तो 6:30 वाला लक्सर था। तो अब ये ट्रेन चल रही है, ऐसा स्टेशन है। तो इस ट्रेन ने हमको पहुंचा दिया सुबह 9:30 आसमान, और अब हम जाएंगे अपने होटल की तरफ। ठीक था 9:00 चली थी और लगभग 9:30 के करीब पहुंचा दिया, और अब कर रहे हैं एग्ज़िट स्टेशन से। फिर एक आइलैंड पे है, मतलब हमारा जो होटल है ना वो एक आइलैंड पे है, और ना कि मतलब मेन सिटी में, क्योंकि सारे सस्ते होटल वहीं पे हैं। तो चलते हैं अब अपने होटल की तरफ। हाउ वाज द जर्नी Rui, how was the journey? Can you tell your subscribers? Yeah, it was very good. Yeah, just 12 hours and 30 minutes. We slept all the way and very quiet and peaceful. It was first class. So it was really good. How much for Abu Simbel? $20 per person. Today? No, tomorrow, $20. Not today? Not today, sorry. I have changed just my business card. You can keep it with you. Okay. If you change your mind, $20 per person. Those other people, not the private. Okay. How many person you are? One or two? Two. Okay, and also if you want to go by boat also? Huh? We have a cruise from Europe, take 2 nights. How much? $50 per person per night.